हाय गाइस, वेलकम टू जैज टेक ब्लॉग्स। आज हम रिएक्ट करेंगे एक वीडियो को। द वीडियो ऑफ द टाइटल इज डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एजुकेशन, इंडिया टेल्स इट्स स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी, एक बार वीडियो देखेंगे उसके बाद मैं रिएक्शन देता हूँ क्लियरली आपको। ओके, नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है यूजीसी और एआईसीटीई ने। एआईसीटीई आपको पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको बता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है यूजीसी। तो यूजीसी ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन में बता दी गई है इंडियन स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी की, जहां पे इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात यूजीसी ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज में भी है, इसका नाम क्या है? INS वर्षा, INS वीर, INS वेला या फिर INS वगशीर? INS वीर, आई थिंक। सही आंसर आपको देना वीडियो के अंत में। नाउ जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले। ये सिर्फ इंडियन सिटीजंस को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं, तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा? देखिए, उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीक कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में आए कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूँ, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? देखिए, पाकिस्तान बहुत बड़ा देश है, शायद कुछ एस्टिमेट तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया आबादी के मामले में, नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे। 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं, जिनके मन में आता है कि जी पाकिस्तान में पढ़ना है, जी वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है जी पाकिस्तान में पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको ये बता दूँ, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है, करीब 50-60%, ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-150 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 के टाइम में इनको वापस लाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान, और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको एग्ज़ाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफ लिए जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे, तो ये इशू काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि यूजीसी क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब ख़राब हो जाएं किसी को पता नहीं होता, बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन दो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है, ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए, या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए हैं कुछ समय के लिए, उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक, ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा अब पेंडेमिक आपको पता होगा वापस फिर से फैल रहा है, कोविड-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैल रहा है, तो उस केस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके अलावा
पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं, सिविलियंस हैं, वही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज़रा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी ख़राब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़रा आती हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा जब सबसे पहले COVID-19 वुहान में फैला था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में। और लॉकडाउन आपको बताया होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है, हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते। यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत ज़रा कम निकलना है तुमको, बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। COVID-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो जो रेगुलर क्लासेस है अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं, वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो चाइना में ये इशू काफ़ी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफ़ी मैं कहूँगा कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं। तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर ये भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना। और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर US या फिर UK जाते हैं, मगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर ख़राब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्ज़ी है जो भी वो स्टेप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है, देखिए इसका मेन रीजन है रीसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने उनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश हैं जहाँ पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, सबको बता रहा कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफ़ी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा वापस आकर इंडिया में नौकरी या पढ़ाई प्रॉपर्ली आगे नहीं बढ़ा पाओगी। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 जो रिसेंटली लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी वक्शीर। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 79 के अंडर हमने टोटल 6 सबमरीन बनाई है, कलवारी, कंधेरी, करांज, वेला, वगीर और वक्शीर इज द लेटेस्ट सबमरीन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है इंडिया गेट्स इट्स 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वक्शीर इन मुंबई। और हाँ यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ निशांत रविंद्र विजेंद्रा को, इन्होंने जीते हैं प्राइजेस अन अकेडमी के फ्री टेस्ट में। ओके गाइस दैट्स इट, वीडियो हैज बीन कंप्लीटेड। तो मेरा स्टैंड इस पे क्या है बोले तो एग्जैक्टली द गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग बिकॉज पाकिस्तान में जाके पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में स्टडीज़ बहुत अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है और स्टडीज़ भी बहुत अच्छा है एंड ईच एंड एवरी कंट्री रिकग्नाइज अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड दे रियली थिंक वेरी हाई अबाउट अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो पाकिस्तान में जाके पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट ओनली वन उर्दू लैंग्वेज
दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज से बहुत सारे कंट्रीज में उर्दू सीख सकते हैं, जस्ट नॉट फ्रॉम पाकिस्तान ओनली। ये 150 टू 250 अराउंड स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान में जाके पढ़ रहे अकॉर्डिंग टू प्रशांत नील भाई वीडियो, उसमें क्या बोले तो मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स आर गोइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, उसमें थोड़ा परसेंट पॉपुलेशन दे वॉन्ट पाकिस्तान वेरी बैडली, दे लाइक पाकिस्तान बिकॉज दे आर मुस्लिम इस्लामिक यू नो पीपल, सो दे डेफिनेटली दे विल टेंड टूवर्ड्स इस्लामिक कंट्रीज। सो उन लोगों को पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे, उस वो डेवलपमेंट्स देखे बहुत सारे पीपल चेंज हो गए, दैट द गवर्नमेंट इज़ रियली गुड, इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग ऑल फैसिलिटीज़ टू देम, एंड ये दहशतगर्दी करना और यू नो ऑल दोज थिंग्स आर नॉट गुड, वी नीड टू प्रोग्रेस। उन लोगों को भी पता चल गया है ऐसा लड़ने में कुछ भी नहीं है, सो एवरी वन आर रियली कम्फर्टेबल विद द इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर डेवलपमेंट्स एंड देयर एजुकेशन सिस्टम ऑल दोज थिंग्स, एंड दे हैव मेनली जब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो पूरा बॉर्डर्स क्लोज कर देंगे, तो जो उधर पढ़ने के लिए गए मेंबर्स उधर ही रह जाएंगे, इधर नहीं आ सकते वो टाइम पे टिल द बॉर्डर्स ओपन, ऐसा सेम है। सो ऐसा सिचुएशंस भी है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम अलग लेवल पे है, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एट ऑल क्लोज टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली बैकवर्ड एजुकेशन सिस्टम है अकॉर्डिंग टू मी। इन यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बात करने वाले का वीडियोस बहुत सारे देखा मैं, तो उसके हिसाब से एंड बाय फॉरेन वेबसाइट्स ऑल दोज थिंग्स पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट अप टू मार्क, एंड दे आर नॉट डेवलपिंग राइट नाउ इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिकॉज द पाकिस्तान इज़ इन chaos सिचुएशन राइट नाउ। उन लोगों का सिचुएशन इज़ वेरी बैड, तो ऐसा है मेरे हिसाब से इट्स वेरी गुड मूव। एंड चाइना से भी ऑनलाइन एजुकेशन डिग्रीज का वो भी कैंसिल करना इट्स वेरी गुड थिंग बिकॉज वी हैव वेरी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, उधर जाने के बाद सिक्योरिटी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है चाइना में, क्योंकि देयर गवर्नमेंट रूल्स लाइक मोनार्की, तो कभी भी किसी को भी अंदर डाल सकता है। सो आई डोंट प्रेफर गोइंग फॉर चाइना, I don't prefer anyone from India going to China and Pakistan for education because Pakistan doesn't have a qualified professional education system over there and it's not up to the mark, and China mein jo hai education system acha hi hoga, par the scenarios and situations and the current situations between India and China wo acha nahi, and Modi ji ne bola ki hum सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जब वो रशिया का वॉर हुआ था तो उधर से स्टूडेंट्स को लेके आना पड़ाना, तो वो बहुत मुश्किल हुआ था, तो तभी उन लोग तभी नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी करा कि हम उधर जाके फॉरेन कंट्रीज जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहना भी चाहिए और मज़ीद इम्प्रूव करना है, सो दैट आवर इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी हियर ओनली बट नॉट गोइंग फॉर आउट यू नो बट नॉट गोइंग टू अदर कंट्रीज फॉर एजुकेशन। सो भाई मेरा तो व्यू यही है कि इंडिया करेक्ट डिसीजन लिया है। सो आपका व्यू क्या है कॉमेंट सेक्शन में क्लियरली मैंशन करो, और डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करो ये चैनल को, और बहुत सारे वीडियोस आएंगे अबाउट रिएक्शंस लाइक एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स एवरीथिंग एल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।